सो दोस्तों, प्रश्नावली 7.2 अरिहंत की किताब मैथमेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो चैप्टर है त्रिभुज, और इसमें एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है। कह रहे हैं, इससे देखिए कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंडों से बने चारों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। प्रश्न बहुत लंबा है, बड़ा है, लिखने में बहुत छोटा है, जब हल करेंगे तब देखेंगे कितना लंबा होता है। तो चलिए धीरे धीरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तो हम लिखते हैं कि क्या दिया गया है। तो जो दिया गया है वो एक त्रिभुज दिया गया है। तो त्रिभुज हम मान लेते हैं कि ए बी सी, ठीक है, ये ए बी सी दिया गया है, तथा त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु क्या हो रहे हैं, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी, इसको ऐसे ना लिख करके लिखेंगे, त्रिभुज के भुजाओं ए बी बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू तथा आर हैं। अब हम ये कह लेते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है प्यारा सा। अब ए बी और सी त्रिभुज है। अब इसके जो मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है पी, बी सी का मध्य बिंदु है क्यू और सी ए का मध्य बिंदु है आर, और इनको मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बन जाता है पी क्यू आर। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये तो हमने ले लिया, हमको जो दिया गया है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि इसे जो चारों त्रिभुज बनते हैं ये चारों मूल त्रिभुज के समरूप हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि हमारा ये जो त्रिभुज है ये वाला, ठीक है, ये किसके समरूप है, बड़े वाले के। तो इसका नाम है, हम ऐसे कह सकते हैं बी बी पी बी क्यू, त्रिभुज पी बी क्यू ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, और साथ ही इसका नाम है आर क्यू सी, हम कह सकते हैं त्रिभुज आर सी आर क्यू सी, सॉरी आर क्यू सी, ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के, और ए पी आर, त्रिभुज ए पी आर ये समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के, और साथ में ये वाला जो अंदर वाला त्रिभुज दिया है त्रिभुज क्यू आर पी, ठीक है, या फिर क्यू पी आर, आई डोंट नो कौन सा किसके समरूप होने का बनेगा एक, बट एक सीक्वेंस तो रहेगा, त्रिभुज क्यू पी आर अभी के लिए लेकर रखते हैं। अब जैसा सिद्ध होगा वो हम बाद में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, ये चारों चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। भाई बात समझेंगे या कि यहाँ पे हमने पी बी क्यू ही क्यों लिया है, बिकॉज हमें जो समरूप सिद्ध करना है उनका एक सीक्वेंस भी होगा कि ए बी सी के समरूप पी बी क्यों होगा, हालांकि किसी भी सीक्वेंस में सिद्ध हो सकते हैं। और यहाँ पे एक सभी भुजाएं लगभग बराबर बनी हुई हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा त्रिभुज ले लेते हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा विषमबाहु त्रिभुज, तो इसमें भी वही सेम चीज़ें, प्रोसीजर वही लागू होगा अगर आप इनको मिलाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज ऐसे के त्रिभुज के समरूप हो रहा है, ये वाला ऐसे समरूप हो रहा है, ये वाला पूरे के साथ समरूप हो रहा है, अब ये ऐसे वाला ऐसे के समरूप हो रहा है इधर से, ठीक है, ये इधर से, तो उल्टे क्रम में थोड़ा सा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे इस त्रिभुज में मिल जाती हैं। अभी हमको यहाँ पे इसको समरूप करना है। तो समरूप करने के लिए जो शुरुआत करेंगे वो होगी भुजाओं का अनुपात बराबर करने से। तो उपपत्ति शुरुआत कर लेते हैं, यहाँ पे उपपत्ति लिखी जाए कि नहीं लिखी जाए, मुझे शायद इसमें संदेह लग रहा है, हालांकि लिख लेते हैं उपपत्ति। शुरुआत करेंगे पहले इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप करते हुए, लेकिन त्रिभुज पी बी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में,
चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाले, बहुत प्यार से समझाने वाले हैं, हल्के से समझाने वाले हैं। देखिए पी बी अपॉन ए बी हम लेने वाले हैं, पी बी अपॉन ए बी लेने वाले हैं। और ये क्या होगा, देखिए पी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक अनुपात है एक कह सकते हैं। और इसका इसको एक लेते हैं, इसको एक लेते हैं, तो पूरा वाला हो जाएगा दो, यानी एक अनुपात दो हो जाएगा। तो अब बहुत ही आराम से कह सकते हैं कि पी बी एक है और ए बी क्या है, दो है। और यहाँ पे लिख देंगे कारण, चूँकि पी ए बी का मध्य बिंदु है। समझ में आ रही बात, बहुत प्यारी बात है, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु है, तो इतना बटे पूरा लेंगे तो एक अनुपात दो हो जाएगा। यहाँ पे इसके और इसके साथ भी वही सेम कंडीशन चलने वाली है, तो जल्दी से लिखते हैं बी क्यू अपॉन बी सी लिखना है मुझे, बी सी बराबर एक अनुपात है दो। कारण क्या है कि ये चूँकि क्यू है बी सी का मध्य बिंदु, ये तो बातें हो गई, दो भुजाएं का अनुपात तो बराबर हो गया, तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, ठीक है। अब देखें ये वाली जो भुजा है इसका इसके साथ अनुपात एक अनुपात दो कैसे ले पाएगा, तो इसके लिए एक मध्य बिंदु प्रमेय भी होता है। पहले समझते हैं कि पहले वो तो लिख लेते हैं कि पी क्यू अनुपात ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो पी क्यू होगा 1 होगा और ये जो ए सी होगा वो 2 होगा। ऐसा किस कारण से हो रहा है, उसका कारण हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ये कारण थोड़ा सा लंबा होने वाला है, प्यार से समझेंगे। चूँकि होता क्या है कि मध्यबिंदु प्रमेय से, मध्यबिंदु प्रमेय होता है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले। अच्छा यहाँ पे समझ लेते हैं, रफ आइडिया यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक। हम समझ लेते हैं कि हम कोई भी एक त्रिभुज ले लें, उसके दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को हम मिला दें ऐसे, तो ये जो भुजा हमें प्राप्त होगी सामने वाली भुजा के समांतर होगी, पहले तो समांतर होगी, साथ ही साथ ये वाली भुजा इसकी आधी होगी, ये भी मध्यबिंदु प्रमेय में आता है, ठीक है। तो ये मध्यबिंदु प्रमेय कहता है। तो यहाँ पे चूँकि पी तथा क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, देखो पी और क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं बी ए और बी सी के मध्य बिंदु है, बी ए तथा बी सी का सॉरी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हैं बी सी के मध्य बिंदु हैं ओके। तब मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होता है, सबसे पहले बात तो हमारा ये जो पी क्यू है वो ए सी के समांतर हो जाता है, वो क्या हो जाता है पी क्यू समांतर ए सी हो जाता है, तथा जो हमारा पी क्यू हो जाता है वो ए सी का आधा हो जाता है। बात समझ में आ रही बात, ठीक है, पूरी बात समझ में आ रही, कारण हमने लिख लिया। अब इन तीन कारणों को हमने जब लिखा है तो हम कह सकते हैं कि तब हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि पी बी अपॉन ए बी बराबर बी क्यू अपॉन बी सी बराबर पी क्यू अपॉन ए सी हो रखा है। तीन चीज़ें तो हमारे तीनों भुजाएं का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे चूँकि पता नहीं क्या लगाना है, तब हम यहाँ पे अब तब लगाते हैं, जब तीन भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तब SSS समरूपता से क्या हो जाएगा भैया, हमारे तीनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज PBQ समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है जी। ये एक चीज़ हमको प्राप्त हो गई, एक चीज़ हमारा सिद्ध हो गया है। तो डिटेल समझ में आ रही ना। अच्छा अब हमको इस त्रिभुज को
पूरे के समरूप, इस त्रिभुज को पूरे के समरूप सिद्ध करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से त्रिभुज आर क्यू सी समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए पी आर समरूप त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि सभी चीज़ों में वही समानताएं होने वाली हैं, इनका अनुपात पूरे एक साथ लेने वाले हैं, क्योंकि गणित का यही रूल है, मतलब सिंपल सा रूल है कि आप जब इसी प्रकार से ढेर सारी चीज़ें करने वाले हैं तो मतलब होने वाली हैं। खैर मतलब कर लेते हैं एक चीज़ को और, मतलब कहने से अच्छा है कि एक बार को लिख लेते हैं। हम लिखेंगे इसी प्रकार से, हमें इस त्रिभुज के लिए लिखना है। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, आर सी बटे ए सी, इसी प्रकार से आर सी बटे ए सी बराबर क्यू सी बटे बी क्यू, क्यू सी बटे बी क्यू बराबर ओ एस लेते हैं। ठीक है, देखिए आर सी बटे ए सी लिया, क्यू सी बटे बी क्यू लिया है, और आर क्यू बटे ए बी लेना है, आर क्यू बटे ए बी लेना है, अतः एस 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 समरूपता से त्रिभुज आर क्यू सी, त्रिभुज आर क्यू सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, यह हो गया एक पार्ट। ठीक है, सॉल्व हो गया है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, त्रिभुज ए पी आर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तथा इसी प्रकार से, ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी बराबर ए आर अपॉन ए सी, ए आर अपॉन ए सी बराबर पी आर बटे बी सी, पी आर बटे बी सी, ये समरूप हो जाएगा। एस 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 समरूपता से त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या है, ए पी आर समरूप त्रिभुज ए बी सी हमने कर लिया है, ये एक और पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, हमारे पास टोटल चार पार्ट थे, पहला पार्ट हमने कर लिया, दूसरा पार्ट इसी प्रकार से डाल दिया, तीसरा वाला पार्ट भी हमने इसी प्रकार से डाल दिया। अब चौथे वाले पार्ट की बारी है जो कि बीच में है। अब बीच वाले में क्या है, इसका अनुपात इसके साथ मिल चुका है, हमने लिखा था, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था ये मध्यबिंदु प्रमेय से कि पी क्यू अपॉन ए सी बराबर एक बटा दो, ये पी क्यू अपॉन ए सी। ठीक, उसी चीज़ का हम यहाँ पे प्रयोग कर लेंगे। तो और अब हम चौथे पार्ट को यहाँ पे हल करेंगे। चौथे पार्ट को हल करने के लिए हमें त्रिभुजों को लिख लेते हैं, त्रिभुज क्यू पी आर तथा त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत सिंपल प्रोसेसर कि भैया ये वाला इसका आधा होगा, अनुपात सीधे सीधे फिक्स दिखाई दे रहा है मध्यबिंदु प्रमेय से, और ये वाला इसका आधा है, ये वाला इसका आधा है, उन्हीं चीज़ों को हमको यहाँ पे लिखना है। शुरुआत करते हैं पी आर अपॉन बी सी से, हम लिखते हैं पी आर अपॉन बी सी। ठीक है, और ये अनुपात रहेगा 1:2, हालांकि हमको इसको थोड़ा सीक्वेंस उल्टा करके नाम लिखना था, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, सब चलता है। अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, मध्य बिंदु प्रमेय, यही सारा खेला यहाँ पे कर रहा है। मध्य बिंदु प्रमेय कैसे काम करता है, हमने पिछले वाले पार्ट में आपको जब हल कर रहे थे तो बताया था। अब ये चीज़ दोबारा लिखने मतलब कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो बात आगे बढ़ाएंगे। पी आर के बाद आर क्यू लेते हैं, यहाँ पे आर क्यू ले रहा है, आर क्यू का अनुपात किसके साथ है, ए बी के साथ है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी। ठीक है, ए बी आर क्यू का अनुपात ए बी के साथ में है, और ये 1:2 होगा, साथ ही साथ मध्यबिंदु प्रमेय चल रहा है, और उसके साथ ही क्यू पी ले रहे हैं, क्यू पी का अनुपात
क्यूपी का अनुपात चल रहा है एसी के साथ में या फिर सीए के साथ में, कोई भी लिख लें सब चलता है। ये 112 साथ में मध्यबिंद प्रमेय। अब यहाँ पे तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, मध्यबिंद प्रमेय हम यहाँ पे प्रयोग कर चुके हैं। करियर अंक के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एस, पहले तो भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। देखिए PR अपॉन क्या ले रहे हैं, BC, ठीक है, BC बराबर यहाँ पे RQ अपॉन क्या हो रहा है, ये BC के बजाय अगर हम CP लिख दिए होते तो ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि हम यहाँ पे BA लिख पाते हैं। BA बराबर QR अनुपात QP है, यार मैं क्या लिख देता हूँ, ठीक है, PRRQQP। अब QP के साथ में A दिखाई दे रहा है, AC ले लेते हैं, AC, ठीक है, ये सब सीक्वेंस बना हुआ है, तो ABC का ये सीक्वेंस बना हुआ है, तो SSS समरूपता से ABC त्रिभुज ABC हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये समरूप हो रहा है किसके त्रिभुज, A के सामने क्या है Q, त्रिभुज Q, और B के सामने R है त्रिभुज R, और C के सामने P है P, त्रिभुज QRP के साथ ये समरूप है, और ये समरूपता हो गई समान। तो इस प्रकार से चौथा वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हमने समझा दी हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, मज़ेदार रहा, और अब बात ख़त्म।